हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है अनचाहे बाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी बॉडी पर आए अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये अनचाहे बाल बॉयज़ की बॉडी पर होते हैं तो वो देखने में बुरे नहीं लगते, लेकिन ये अनचाहे बाल अगर औरतों के शरीर पर हो या लड़कियों के शरीर पर हो तो वो इन अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए ना जाने क्या क्या करती रहती है। क्योंकि फ्रेंड्स, गर्ल्स ना जाने अपनी बॉडी पर आए अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए किन किन प्रोडक्ट का यूज़ करती है, लेकिन वो अपने अनचाहे बालों से को कुछ दिनों के लिए छुपा तो लेती हैं। लेकिन आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी, इस नुस्खे से आप एक ही बार में अपने बॉडी पर आए अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ केले का। आपको केले के छिलकों का यूज़ करना है। सबसे पहले हम केले का छिलका उतार लेंगे। इस तरह से आपको फ्रेंड्स इसका छिलका उतार लेना होगा। देखिए, मैंने इसके छिलकों को उतार लिया है। अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है, इसके लिए आपको लेना होगा एक चम्मच। चम्मच की सहायता से फ्रेंड्स आप इसके अंदर के पूरे गुदे को निकाल लीजिएगा। आपको इसे रब करके निकाल लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको एक चम्मच के लगभग इसको निकाल लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप इसे एक बाउल में डाल लीजिएगा। हमने फ्रेंड्स केले के छिलके के अंदर से जो गुद्दा निकाला है, ये एक ही बार में हमारे अनचाहे बालों को रिमूव करने की ताकत रखता है। इसको लेने के बाद अब आपको इसमें सेकेंड चीज़ ऐड करनी है, वो है टूथपेस्ट। फ्रेंड्स, आप जब इस नुस्खे को अपनी बॉडी पर यूज़ करेंगे तो ये हमारे बॉडी को ठंडक का एहसास दिलाएगा, त्वचा के रंग को निखारेगा और हमारे बालों को रिमूव करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी के अनचाहे बालों को तेज़ी से रिमूव करने का भी कार्य करता है। आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में टूथपेस्ट को ऐड करना होगा। इसके बाद आपको इसमें बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है। बेकिंग पाउडर फ्रेंड्स हमारे अनचाहे बालों को एक ही बार में रिमूव करने की ताकत रखता है। आपको इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर का यूज़ करना होगा। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप बड़ा चम्मच यूज़ कर रहे हैं तो आपको आधा चम्मच ही यूज़ करना है। इसमें आप इस तरह से बेकिंग पाउडर को ऐड कर लीजिएगा। अब आपको इसमें लास्ट चीज़ ऐड करनी है, वो है फ्रेंड्स टर्मरिक पाउडर। आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्दी को ऐड करना होगा। हल्दी भी फ्रेंड्स हमारे बालों को तेज़ी से रिमूव करने का कार्य करती है, चेहरे के रंग को गोरा बनाती है और हमारे चेहरे की अनेक समस्याएं, दाग धब्बे, पिंपल से भी छुटकारा दिलाने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, एक हल्दी ना जाने कितने कार्य करती है, तो आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में हल्दी को यूज़ करना होगा। इस पेस्ट को बनाने के लिए अब आप इसमें ऐड कीजिएगा रोज़ वाटर। रोज वाटर आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। आपको इस पेस्ट को एक पतला सा पेस्ट बनाकर तैयार करना होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पेस्ट ज्यादा पतला ना हो और ना ही गाढ़ा बने। इस पेस्ट को बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे अपने हाथों और पैरों पर यूज करना होगा। फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस पेस्ट को अपने फेस पर यूज़ ना करें, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। बेकिंग पाउडर हार्ड पाउडर होता है जिसका यूज़ हमें अपने चेहरे पर नहीं करना चाहिए। तो हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको बनाकर इसे तैयार करना है और इसके बाद आपको इसे अपने हाथों और पैरों पर यूज़ करना होगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसका यूज़ कैसे करना है। या तो आप कॉटन की सहायता से इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने हाथों की सहायता से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह से इसे अपने हाथों और पैरों पर यूज़ करना होगा। आप इसे अपने अंडरआर्म्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अपनी बॉडी पर लगाने के बाद आपको 2 मिनट तक मसाज करनी है और 2 मिनट की मसाज के बाद आप इसे अपनी बॉडी पर 5 मिनट तक लगाकर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप नॉर्मल वाटर से अपने हाथों और पैरों को वॉश कर लीजिएगा। इस नुस्खे के यूज़ से एक ही बार में अपने शरीर के अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो आप इसका यूज़ करके देखिए और देखिए कैसे आपकी बॉडी के अनचाहे बाल हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।